दोस्तों मैं लवकुश पाल बांदा, आज हमारी मौजूदगी पावन पवित्र स्थली चित्रकूट के एक ऐसे तीर्थ स्थल में है जो हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, जो जहां बोला जाता है कि हनुमान धारा में जाने के लिए हजार सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, या किसी को रोपवे के माध्यम से अगर मंदिर तक पहुँचना है तो पहुँच सकता है। तो हमें कुछ हनुमान धारा को चढ़ते चढ़ते हमें एक माता जी मिली, और माता जी का कुछ व्यवसाय है जो अपने परिवार को चलाने के लिए, पेट को चलाने के लिए कुछ सामग्री बेच रही है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाने का प्रयास करें कि क्या चीज़ बेच रही है। माता जी से बात करने का प्रयास करेंगे। बैठ जाते हैं माता जी। राम राम माता जी। राम राम। कहाँ से आए? उधर देखो आप। रामघाट से। रामघाट से आई हो। ये क्या बेच रही हो? बेर। अभी या कहाँ है जहाँ बैठी हो? कहाँ बैठी हो? पंचमुखी में। पंचमुखी हनुमान धरा। पंचमुखी हनुमान धरा। हाँ, पंचमुखी हनुमान धरा में हमारी माता जी बेर बेच रही हैं। और बेर बेर की कहानी आपने सुनी होगी, जो माता सबरी जी चुन चुन के बेर अपने श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए लाती थी। आप वही सबरी वाले बेर तो नहीं बेच रहे हैं? अरे सबरी वाले भाई नहीं, यही बेर है। हमारे सामने जो अभी माता जी मौजूद है, जो एक समय की माता जी सबरी जो त्रेता युग की थी, और इस समय अभी माता सबरी कलयुग की माता सबरी आज हमको मिल गई हैं, जो बेर बेच रही हैं। और यहाँ बजरंग बली की सेना घूम रही, उनके लिए खिलाने के लिए है कि जो भक्त आते हैं उनके लिए बेच रही हो? खाने को अतिरिक्त बिकल रहा है। अच्छा, बंदरों को चना बिकल रहा है। अच्छा, तो हमारे साथ देख सकते हैं कि इधर माता जी के कटोरी में एक चने, जो अभी शाम का टाइम है और इतने चने बचे हुए हैं, और बेर और चने बेच करके अपना परिवार यापन चला रही हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 5 लड़के। 5 बच्चे हैं माता जी के? 5 बच्चे हैं। बेर क्यों बेच रही हो? बिकल रहे हैं, जो को नहीं दे रहा तो बिकल में ना, पेट का बने आदमी नहीं हमारे, खत्म। अच्छा, हो गए हैं। अच्छा, चाचा जी दुनिया में नहीं रहे? लड़का बिटिया भी यहाँ का पढ़े, एक लड़का एक बिटिया भी यहाँ का। तो अच्छा, 5 बच्चों में से 5ों बच्चे लड़का? 6 लड़कन के हो गए। 6 लड़कों की शादी हो गई है? 4 लड़का के, 2 लड़के। नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? आपके टोटल बच्चे कितने हैं? 8 है। 8 बच्चों, 8 बच्चे हैं माता जी के, जिसमें से 6 बच्चे हैं और 2 लड़कियां हैं। एक लड़की एक भी लड़का बचा। अच्छा, तो अभी 2 लोग का शादी करने, इस मतलब अपनी परिवार की जिम्मेदारी के लिए हमारी माता जी बेर और चने बेच करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। और तो जो बच्चों की शादी हो गई है वो आपको सपोर्ट नहीं करते क्या? नहीं, कोई नहीं सपोर्ट करते, अलग है। अच्छा, वो अलग है। तो आपको ये बेर और चने बेचने के लिए मतलब आपको इतना होना पड़ा? तो इतने बेर हमारे पास माता जी एक कागज के पन्ने में रखा हुआ है, जो अगर उनको हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग में 20 बेर हैं हमारे जो इधर रखे हुए। इतने बेर कितने के देती हो? 5 रुपए के। 5 रुपए की इतने बेर? झूठ बोल रही हो? 5 रुपए के। अच्छा, 5 रुपए की इतने बेर देती हो, और इतने चने भी 5 रुपए कितने देती हो? 1 पुड़िया। अच्छा, 1 पुड़िया ये चने की पुड़िया है, और 5 रुपए की पुड़िया जो आप अपने जो हनुमान धारा में आते हैं, पंचमुखी हनुमान धारा में जो हनुमान जी की सेना बंदर सेना होती है, आप उनको खिलाइए और अपने भाग्य उज्ज्वल कीजिए, और अपनी आस्था को पूरा करने के लिए जब आप यहाँ आते हैं। तो हमारी अब माता जी से मुलाकात भी हो गई, तो जानेंगे दिन भर में कितने का बेच लेती हो? जैसे मेला है तो बिका लेते 100-150 का। अच्छा, अगर मेला होता है तो दिन भर में 100-150 के बेच। इतने में कहाँ होता है 100-150 में? 100-150 रुपये में जैसे सुबह से आ गए, जो मेला भा तो चार जाते नहीं तो कतो 50 कतो 100। अच्छा, 100-150 में कतो 50, मतलब जैसे अगर 150 का बेच लिया तो 150 में आप खरीदते भी होंगे कि आपके घर में? तो बैसाख में खरीदते हैं। अच्छा, बैसाख में आप खरीद लेते हैं, बट उसका रेट चुकाने के बाद भी आपको 150 बचत हो जाता है? हाँ, 150 मिल जाता है। अच्छा, तो पेट चलाने के लिए माता जी हमारे यहाँ पे बेर और चने बेच रही हैं, अपने परिवार चलाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार माता जी अपने परिवार चलाने के लिए इस यहाँ पे बेर और चने बेच रही हैं, खाने के लाने हैं। अच्छा, अगर इंसान के पास अगर पेट है तो कहीं ना कहीं उसको हाथ चलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बाहर कमाना पड़ेगा हमारी माता जी के अपने। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और हमारे चैनल को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं लवकुश पाल बांदा, जय जीत वर्क कैमरा।